CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम मेहनत का धन। आलेख मधुपंत का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी। बच्चों, जानते हो आज हम तुम्हें किसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं? किसान की। किसान जो रात दिन खेतों में काम करता है, किसान जो मेहनत करके अनाज सब्जी दाल उगाता है, किसान की मेहनत के फल से ही तो हम सबको खाना मिलता है। बच्चों, एक था किसान, उसके चार बेटे थे। किसान खुद तो बड़ा ही मेहनती था, लेकिन उसके बेटे थे आलसी, बिल्कुल आलसी। जैसे ही सुबह मुर्गा बांग देता किसान झटपट उठ बैठता और अपने खेतों पर चला जाता। दिन भर मेहनत करता और शाम होने पर घर वापस आ जाता। लेकिन उसके चारों निकम्मे बेटे सारा दिन सोते रहते या इधर उधर घूमते रहते। किसान अपने चारों बेटों से बड़ा ही दुखी था। वो सोचता, मैं तो सारे दिन इतनी मेहनत करता हूँ, पर मेरे बेटे सारा समय यूं ही गंवा देते हैं। एक बार वो किसान बहुत ही बीमार पड़ा। बीमारी के समय भी उसे अपने बेटों की चिंता थी। वो सोचता कि मेरे बाद मेरे बेटे कैसे खेतीबाड़ी करेंगे। इसी चिंता में वो पड़ा रहता। एक दिन अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने अपने खेत को अलग अलग चार हिस्सों में बांट दिया है और एक बहुत जरूरी बात है। जी पिताजी। मैंने जमीन के चारों हिस्सों में चारों बेटों के लिए धन गाड़ कर रख दिया है। जब फसल कट जाए तो तुम सब अपने अपने हिस्से का धन निकाल लेना। कुछ दिनों के बाद फसल कटी। अब चारों बेटे अपने अपने हिस्से का धन निकालने के लिए चल पड़े। पहला बेटा लिए कुदाल, खूब तेज थी उसकी चाल। पहुंचा अपने खेत में, जहां दबा था उसका माल। पहले बेटे ने अपने हिस्से की जमीन खोदनी शुरू कर दी। दूजा बेटा लिए कुदाल, खूब तेज थी उसकी चाल। पहुंचा अपने खेत में, जहां दबा था उसका माल। दूसरा बेटा अपने हिस्से की जमीन खोदने लगा। तीजा बेटा लिए कुदाल, खूब तेज थी उसकी चाल। पहुंचा
तीसरे बेटे ने भी अपने हिस्से की जमीन खोदनी शुरू कर दी। चौथा बेटा लिए कुदाल, खूब तेज थी उसकी चाल, पहुंचा अपने खेत में, जा दबाता उसका माल। चौथे बेटे ने अपने हिस्से की जमीन खोदनी शुरू कर दी। रात दिन वे जमीन खोदते रहे, खोदते रहे, खोदते रहे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, दस दिन, खोदते खोदते चारों ने अपने अपने हिस्से की सारी जमीन खोद डाली, लेकिन उन्हें कहीं धन नहीं मिला। आखिर में थक कर चारों बेटे अपने पिता किसान के पास आए और बोले, पिताजी, हमने तो सारा का सारा खेत खोद डाला, लेकिन हमें तो कहीं भी धन नहीं मिला। अरे बेटा, तुमने धन निकालने के पहले मुझसे तो पूछा ही नहीं। मैंने तो पहले ही वो धन जमीन से निकाल लिया था। क्या? हाँ हाँ, चिंता ना करो, वो धन तो तुम्हारा ही है। असल में मैं एक बात सोच रहा था। वो क्या? असल में मैं ये चाहता था कि जो बेटा सबसे लायक हो उसे ही सारा धन दे दूंगा। अब तुम सबने ये जमीन तो खोद ही डाली है, क्यों ना तुम सब अपने अपने हिस्से में बीज भी बो डालो। मैं तो बीमारी से बहुत कमजोर हो गया हूं। मुझसे अब खेती संभलेगी भी नहीं, इसलिए तुम सब अपने अपने हिस्से में बीज बोकर खेती करो। जिसकी फसल सबसे अच्छी होगी उसे ही मैं अपना सारा धन दे दूंगा। सबको मंजूर है ये बात? हाँ हाँ, मंजूर है। अब चारों बेटे अपनी अपनी जमीन में बीज बोने चल दिए। चारों ने अपने अपने खेत में खूब मेहनत की। सुबह से शाम तक खेत का काम करते, कुछ दिनों बाद फसल तैयार हो गई। चारों की फसल बहुत बढ़िया हुई। फसल काटी गई, ढेरों ढेर अनाज निकला। किसान ने अपने बेटों के अनाज को जब देखा तो बहुत खुश हुआ और उनसे बोला, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम सबसे बहुत खुश हूं। तुम चारों ने ही बड़ी मेहनत की, आज मैं तुम्हें सबसे बड़े धन की बात बता रहा हूं। सबसे बड़ा धन मेहनत है, परिश्रम है। तुमने धन के लालच में जमीन खोदी, धन के ही लालच में फसल उगाई। तुमने ये भी देख लिया कि जब चारों ने पूरी मेहनत और लगन से काम किया तो इतनी अच्छी फसल उगा ली। मेरे बच्चों, सबसे बड़ा धन है मेहनत। पहले तुम आलसी थे, इसीलिए तुम निर्धन थे। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही धनी होगा और उतना ही सुखी होगा। किसान के बेटों को अपने पिता की बात समझ में आ गई। चारों ने अब ये तय किया कि वे खुद मेहनत करके खेती करेंगे और अपने बूढ़े पिता को आराम देंगे।
बच्चों आओ अब एक खेल खेलेंगे। इस खेल में ये होगा कि मैं कोई बात कहूंगा तो तुम सब बच्चे उसके बाद कहोगे खूब कही भाई खूब कही। हाँ हाँ क्या कहोगे? खूब कही भाई खूब कही। अगर मैं जोर से बोलूंगा तो तुम्हें भी जोर से बोलना होगा और अगर मैं धीरे से बोलूंगा तो तुम्हें भी धीरे से बोलना होगा। जैसे मैं धीरे से कहूंगा रामू किसान करता खेती तो तुम भी धीरे से कहना खूब कही भाई खूब कही। और मैं जोर से कहूंगा रामू किसान करता खेती तो तुम भी जोर से बोलना क्या खूब कही भाई खूब कही। तो भाई खेल शुरू। हाँ शुरू। रामू किसान करता खेती मेहनत करके करता खेती खूब कही भाई खूब कही खूब कही भाई खूब कही। इस खेती में बैल हाँकता इस खेती में हल चलवाता खूब कही भाई खूब कही खूब कही भाई खूब कही। इधर भी हट हट उधर भी हट हट जिधर भी देखो हट 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 खूब कही भाई खूब कही खूब कही भाई खूब कही। इस खेती में पली है गाय चले तो घंटी बजाती जाए खूब कही भाई खूब कही खूब कही भाई खूब कही। यहाँ भी टन टन वहाँ भी टन टन जिधर भी देखो टन 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 खूब कही भाई खूब कही खूब कही भाई खूब कही। इस खेती में पली मुर्गियाँ इस खेती में पली मुर्गियाँ खूब कही भाई खूब कही खूब कही भाई खूब कही। यहाँ भी कुकड़ू वहाँ भी कुकड़ू जहाँ भी देखो कुकड़ू कुकड़ू खूब कही भाई खूब कही खूब कही भाई खूब कही। रामू किसान करता खेती खूब कही भाई खूब कही रामू किसान करता खेती खूब कही भाई खूब कही खूब कही भाई खूब कही खूब कही भाई खूब कही। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।